शहर में लड़कियों और महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए उनकी सुरक्षा के प्रति उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। इस विषय पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग और ईवा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर के प्रति जन समुदाय में जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए शहर में संचालित नगरीय बसों पर पोस्टर लगाए गए, साथ ही लड़कियों एवं महिलाओं को हेल्पलाइन के नंबर की जानकारी भी दी गई ताकि किसी भी परेशानी के समय पोस्टर पर लिखे नंबर पर लड़कियां एवं महिलाएं कॉल कर सके। पोस्टर में पॉस्को एक्ट के प्रावधानों को भी अंकित किया गया है, जिससे अपराधी महिलाओं के प्रति अशिष्ट व्यवहार या अपराध को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। पोस्टर का विमोचन संभागायुक्त आकाश त्रिपाठी के द्वारा कमिश्नर कार्यालय के सभागार में डॉक्टर संध्या व्यास, संयुक्त संचालक महिला बाल विकास भारती मंडोले, डायरेक्टर ईवा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और महिला बाल विकास के अन्य अधिकारियों और ईवा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। ये नंबर ये है कि आपको अगर कोई भी परेशानी हो, अगर किसी भी किस्म की आपके साथ छेड़छाड़ होती है, किसी भी आपत्ति प्रॉब्लम वाली स्थिति में आप हैं, तो आप तत्काल इन नंबर्स पे फोन लगा सकते हैं। ये आपके हेल्पलाइन नंबर है। ये वन स्टॉप सेंटर का है। अगर घरेलू हिंसा भी होती है आपके साथ में, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, अपने अड़ोस पड़ोस में भी होती है, तो ये नंबर आप सबके साथ शेयर जरूर करिए, तो आप तुरंत उनको बोल सकते हैं। यहाँ सारी फैसिलिटीज महिलाओं के लिए अवेलेबल रहेगी और ये 24 घंटे टोल फ्री नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। एक तो आप किसी परेशानी में हो तो आप फोन लगा सकते हैं, और वैसे भी कोई एक किसी तरह की परेशानी में महिला है कि उसके घर पे अत्याचार होता है या उसको कोई परेशान कर रहा है, तो वो आप उसके लिए भी ये वन स्टॉप सेंटर का नंबर लगा सकते हैं। दोनों तरह के नंबर इसमें है, ठीक है। और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि सब लोगों तक, महिलाओं तक ये सारे मैसेज पहुंचे। इसमें चाइल्ड लाइन भी है, चाइल्ड लाइन का नंबर भी, अगर कोई बच्चे हैं उनके लिए भी है, तो आप वो भी परेशान है। इसमें जो ये नंबर है, ये वन स्टॉप सेंटर का नंबर है। कोई महिला अगर किसी भी प्रकार की सहायता चाहती है, उसको रहने घर से निकाल दिया है, अत्याचार कर रहे हैं, तो वन स्टॉप सेंटर पे लगा सकते हैं। किसी के साथ कोई लगातार छेड़छाड़ कर रहा है, वी केयर फॉर यू पे लगा सकते हैं। अगर कोई तात्कालिक कोई दुर्घटना या कोई चीज़ होती है, तो आप ऊपर वाले जो हेल्पलाइन नंबर है उन पे फ़ोन लगा सकते हैं। किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चा परेशान है, तो उसके बारे में भी 1098 पे आप बता सकते हैं, चाइल्ड हेल्पलाइन में। ये सारे नंबर हैं और इसके ऊपर जो चीज़ें हैं, और जो पुरुष हैं वो भी इस चीज़ पे ध्यान रखें, वो भी बताएं लोगों को। और जो ये ऊपर दिया हुआ है, ये पॉक्सो एक्ट है। बच्चों के साथ अगर कोई यौन छेड़छाड़ और इस तरह की करता है, तो इतना सख्त कानून है कि उसको मृत्युदंड तक मिल सकता है। तो ये लोगों को अवेयर करें कि आप देखिए कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, ठीक है। आप इसका फोटो भी खींचिए। पोस्टर को महिला बाल विकास विभाग और युवा वेलफेयर संस्था है, उनके माध्यम से संयुक्त रूप से डिजाइन किया गया है, उसको तैयार किया गया है, और इसमें सभी सार्वजनिक स्थानों पर AICTC से यूनिवर्सिटी बसें हैं, उनमें BRTS की बसें, सभी स्थानों पर उसको दर्शित किया जाएगा। इसके माध्यम से कानून के संबंध में और हेल्पलाइन नंबर के संबंध में महिलाओं को जानकारी मिल सकती है। बस स्टॉप हैं, ATM सेंटर्स हैं, और जहाँ पर भी जो भी सार्वजनिक स्थान है, वहाँ हम इस तरह के पोस्टर्स लगाएं जहाँ महिला हेल्पलाइन के नंबर महिलाओं को मालूम रहे, बेटियों को मालूम रहे, तो वो किसी भी आपत्ति की किसी भी परेशानी की स्थिति में इन हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सके। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट, जो बच्चों पे जो अपराध होते हैं, यौन अपराध होते हैं, उसके बारे में बहुत मजबूत कानून आया है, और उसमें मृत्यु दंड तक हो सकता है और सख्त सजाएं हैं। लेकिन लोगों को इसका थोड़ा इसके बारे में भय भी हो और इसकी जानकारी भी हो, तो पॉक्सो एक्ट के बारे में भी पोस्टर में हमने जानकारी दी है, और इसके अलावा महिला हेल्पलाइन नंबर भी दिए हैं। तो ये एक जागरूकता लाने का और एक महिलाओं को हेल्प करने का एक बेटी बचाओ के तहत छोटा सा प्रयास है, जो हमने ईवा संस्था के सहयोग से महिला बाल विकास ने किया। ईवा क्योंकि बहुत समय से महिलाओं के साथ काम करते आ रहे हैं, तो हमने देखा कि लीगल अवेयरनेस अभी भी महिलाओं में नहीं है, और यही प्रयास विभाग और ईवा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने उठाया, और इसी के तहत हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत बसेस में ये पोस्टर लगाने का एक इनिशिएटिव लिया है, जिससे कि सबसे ज़्यादा अवेयरनेस तभी आ सकती है
जब हम सारे हेल्पलाइन नंबर हैं या फिर फॉक्सो जैसे सख्त कानून व्यवस्था है उसके बारे में हम पब्लिकली इसको बोल रहे हैं। इसीलिए हमने अभी फिलहाल तो ट्रांसपोर्ट को इसमें फाइनलाइज किया है, मतलब आने वाले समय में हम इसको ई बॉक्स जो एनसीआर के तहत में किया गया है उसको भी हम लॉन्च करेंगे। लॉन्च ऑलरेडी 16 में हो गया है लेकिन उसके लिए भी अभी कहीं अवेयरनेस है नहीं, तो शी बॉक्स और ई बॉक्स को भी हम लोग बहुत जल्द इसमें मेंशन करने वाले हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ में ही इसको पब्लिक प्लेसेस में भी हम इसको जल्द से जल्द। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।